हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार, प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की मनी ग्रो वीडियो सीरीज में और एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से दो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इन लोगों को पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे, और उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसमें पोजिशनली कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं, कहाँ पर एसएल रख सकते हैं, कहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाला टाइम में भी ऐसे बहुत सारा वीडियो पोस्ट करने वाला हूं। ये छोड़ के भी इस चैनल में इंट्राडे स्टॉक का भी एनालिसिस आने वाला है और बहुत सारा लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी आने वाला है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, और देर न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कृपया डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एक स्टॉक है पोद्दार पिगमेंट्स लिमिटेड और दूसरा है लार्सन एंड टुब्रो। पहले हम लोग शुरू करेंगे पोद्दार पिगमेंट्स लिमिटेड को लेके। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, तो हम लोग डेली के चार्ट में, मतलब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में ही इसको एनालिसिस करेंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आपको एनालिसिस करना है किसी स्टॉक का, तो पहले चार्ट को एकदम जूम आउट कर लेना है और देखना है कि इसका ट्रेंड कैसा है। तो चलिए हम लोग चार्ट को एकदम जूम आउट कर लेते हैं। तो अगर मैं चार्ट को पूरा जूम आउट करता हूं, तो मैं देखूंगा यहां पे कि ये पहले डाउन ट्रेंड में जा रहा था, लेकिन कुछ दिन से ये यहां पे रेंज बाउंड हो गया, और रेंज बाउंड होने के बाद ये एक स्मॉल ब्रेकआउट भी देने का कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक यहाँ से घूमने का कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि इस स्टॉक का जो लास्ट टॉप बना है वो पिछले टॉप के मुकाबले ऊपर बना है। इसका मतलब ये यहाँ से हायर टॉप बनाने का कोशिश कर रहा है। तो इसको अगर एनालिसिस करना है तो मुझे इस कंसोलिडेशन जोन को ही एनालिसिस करना पड़ेगा। तो चलिए ये सब क्लियर करते हैं और स्टॉक एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो अगर मैं इस जोन को थोड़ा जूम इन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है कि एक लेवल जो है इसके ऊपर है, जो लेवल को ये बार बार टच कर रहा है, लेकिन इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार बार इसको टच कर चुका है। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये 198.90 है। तो अगर ये 198.90 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज दे देता है, तब इसमें एक ब्रेकआउट आने का संभावना दिखाई देता है। और इसके सिवा भी आप अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे नीचे, तो आप देखोगे कि इसके नीचे से इसके नीचे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये भी हायर लो ही बनाया है। और यहीं पे अगर एक छोटा ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझे इसका स्टॉप लॉस भी मालूम हो जाता है कि कैसे इसका स्टॉप लॉस लेना है। तो अभी समझते हैं कि इसमें हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है 198.90 के ऊपर, तो हम लोग इमीडिएट इसको बाई कर सकते हैं, और हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ट्रेंड लाइन का, इसके ठीक नीचे। तो इसका मतलब अगर ये 198.90 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो आप इसको इमीडिएट बाई कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 171.05 के थोड़ा सा नीचे, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दूं एक रुपया, तो ये ऐसे आपका बफर हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस 169.90 के नीचे आप रख सकते हो। तो इसमें आपका जो है टारगेट क्या होगा, इसमें आप दो टारगेट लेके चल सकते हो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक टारगेट तो आपको इस लेवल पर मिलेगा जो है 251, मतलब ब्रेकआउट के बाद ये पहले 251 तक जा सकता है, और उसके बाद का अगर लेवल देखूँ तो उसके बाद का लेवल आपको इस जगह पे मिल सकता है 299
नहीं 289.70 के आसपास आपको सेकेंड टारगेट मिल सकता है। मतलब इसमें आप फास्ट टारगेट तक भी जाओगे तब भी आपको 1:3 के आसपास आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, और सेकेंड टारगेट तक जाओगे तो आपको 1:4 के ऊपर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आँख बंद करके ट्रेड मत कीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस दिखाया उसको आप खुद करने का कोशिश कीजिए और अपने ऊपर भरोसा रख के फिर ट्रेड कीजिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एडुकेशन देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए अभी हम लोग का दूसरा जो स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो उसको एनालिसिस करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लार्सन एंड टूब्रो का चार्ट में आ गए हैं। तो मैं अगर इसको पूरा जूम आउट करता हूँ तो मुझे दिखाई देगा कि लास्ट इसका जो बुल रन शुरू हुआ था वो यहाँ से यहाँ तक हुआ था, और उसके बाद ये जो है थोड़ा सा नीचे आके कंसोलिडेशन मोड में चला गया। तो मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो ये थोड़ा नीचे आया फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मुझे इसको एनालिसिस करना ही है तो मुझे इस कंसोलिडेशन जोन को एनालिसिस करना पड़ेगा, और ये बुलिश है स्टॉक, इससे पहले बुलिश ही था तो हम लोग ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेंगे, या बोल सकते हो हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस जगह को मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ। अभी जो कंसोलिडेशन जोन है इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ और एनालिसिस करके देखता हूँ कि यहाँ पे क्या निकलता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक लेवल दिखेगा जो है यहाँ पे 1280 के आसपास अभी आज का क्लोजिंग है, और इसका लेवल जो लास्ट निकल रहा है वो है 1277.35। ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि आप अगर चार्ट को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 1277 पे ये कितना बार बाउंस किया है। आप देखो कितना बार इसमें बाउंस किया है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको पोजिशनली ट्रेड करना है तो हम लोग इमीडिएट इसमें बाई पोजिशन ले सकते हैं। हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा इससे पिछले वाला जो स्विंग लो है उसके थोड़ा नीचे, मतलब यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस 1200 के आसपास होगा, और हम लोग 1277 पे अपना पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो इसमें टारगेट क्या मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है इससे पिछले वाला स्विंग हाई, मतलब 1478 या उसके ऊपर अगर जाता है तो सेकंड टारगेट के लिए हम लोग जा सकते हैं इसका टॉप में जो है 1583। मतलब दोनों जगह पे ही आपको 1:3 के ऊपर ट्रेड मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि ये डेली बेसिस पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होगा या एंट्री डिसाइड होगा, सब कुछ क्लोजिंग बेसिस पे ही डिसाइड होगा। तो मुझे जितना लगता है इसमें यहाँ से इमीडिएट बाउंस होना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे जितना लगता है कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा आके फिर ऊपर जाएगा। तो आपके जो रिस्क लेने का क्षमता है उसके बेसिस पे आप इसके ऊपर एक पोजिशन बना सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये दोनों एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी डाउट है आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उस टेलीग्राम चैनल में हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए कोई भी चार्जेस हम लोग नहीं लेते हैं, ये एकदम फ्री सर्विस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखें और कुछ सीख पाए। और मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप ज़रूर हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।